मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत्ते ए अचरज देखो मोमिनो कैसा समया हुआ। प्राण प्रीतम अक्षरातीत की वाणी जो महामती जी के धाम हृदय से आई है, इसका एक एक शब्द किसी न किसी कारण से उत्तरित हुआ है। पद्मावतीपुरी धाम में अक्षरातीत 5000 की जमात के बीच में लीला कर रहे हैं और आपको विदित है कि लगभग 1732-33 में श्री जी मेड़ते पहुंचते हैं। मेड़ते में राजा राम झांझन भाई की आत्मा जागृत होती है और वे दृढ़ संकल्प लेते हैं कि सब सुंदर साथ की सेवा वो यथासंभव पूरी करने का प्रयास करेंगे और यही होता है। मेड़ते के पश्चात वहां से लेकर पन्ना जी जाने तक जब तक महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा नहीं ले ली, तब तक सब सुंदर साथ की सेवा का बोझ राजा राम झांझन भाई उठाते रहे। राजा राम झांझन भाई और मकरंद ये तीनों एक ही घराने के थे। सेवा कब होती है? जब स्वरूप की पहचान होती है। इन्हीं की बेटी थी ललिता, जो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्री जी के चरणों में आई थी। कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरी धनी जी कायम सुखकारी। जब राजा राम झांझन भाई को ऐसा लगता है कि महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा संभाल ली है, अब जो मैं यहां से धन भेज रहा था उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनके मन में भी आकांक्षा होती है कि सब सुंदर साथ तो राज्य के चरणों में परम धाम का सुख ले रहा है, हम क्यों न लें। आपको विदित है कि जो वो व्यवसाय करते थे उसमें से घर का खर्च छोड़कर जितना कुछ बचता था सारा का सारा वो सुंदर साथ की सेवा में बिता देते थे, भेज देते थे। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा और परम धाम में भी जगेंगे तो राजा राम और झांझन भाई की सेवा हमेशा हमेशा के लिए अखंड रहेगी। आप सुंदर साथ देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सुंदर साथ तो अपनी आय का 1% भी पूरी तरह से नहीं देता। जैसे सुंदर साथ की संख्या 40 लाख है और 40 लाख की संख्या में कई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी मासिक आमदनी लगभग 1 लाख होती है, लेकिन यदि उनका हिसाब जोड़ा जाए तो 1% होता है तो 12,000 रुपये मास की सेवा, 1 वर्ष की सेवा होती है। लेकिन मैं जानता हूँ उनकी वार्षिक सेवा 12,000 की कभी नहीं होती। कहने का ऐसे क्या है, हम सुंदर साथ 1% की भी 100 रुपये में 99 रुपया घर के लिए रखकर 1 रुपया भी वाणी के प्रचार के लिए हम देने में झिझकते हैं, लेकिन वो राजा राम झांझन भाई है जिनकी बेटी ने तो अपने सब कुछ सौंप ही दिया है। कहते हैं कोटबेर ललता कुर्बानी मेरे धन जी कायम सुकारी। इससे जो किरंदन उतरता मिटते में कि वारी रे वारी मेरी प्यारी मैं तुम पर वारी। आज भी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में राजा राम झांझन भाई मकरंद के वंशज रहते हैं और वो कितना भी कष्ट हुआ पन्ना जी में आर्थिक परेशानियां आई, लेकिन वो श्री जी के चरणों का आश्रय छोड़ करके कहीं बाहर नहीं गए। उन्होंने पत्र लिखा महाराजा छत्रसाल जी को, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे कि महाराजा साहब यदि आपकी स्वीकृति हो आप कहिए तो हम भी आ जाएं। इसी विषय पर ये पूरा प्रकरण है कि परम धाम की आत्मा को क्या इस संसार में कहना पड़ता है कि क्या कहिए तो हम भी आ जाएं। जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो सुंदर साथ प्रतीक्षा करते हैं कि वहां से निमंत्रण आए तब तो हम जाएं। ये सत्य है, संसारिक शिष्टाचार है कि जब विवाह का कार्य हो, कोई सामाजिक कोई भी कार्य हो,
तो उसमें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां ब्रह्मवाणी की चर्चा हो वहां निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मां ये रामायण में एक प्रसंग आता है कि भगवान शिव की पहली पत्नी थी सती और उनके ससुर थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के शंकर जी से अनबन रहती थी। उन्होंने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए जब यज्ञ किया तो सबको तो निमंत्रण दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने सोचा कि भले ही मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया है तो क्या, आखिर मेरे पिता ही तो हैं, मैं क्यों न जाऊं। जब चलने लगी शंकर जी ने बहुत मना किया कि देखो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती के ऊपर तो अपने पिता के स्नेह का भूत सवार था। वो जाती है, देखती है कि सभी देवताओं को स्थान है लेकिन उनके पति शिव जी का कोई स्थान नहीं। सती अपने पति का यह अपमान नहीं सहन कर सकी, क्योंकि सती को यह अनुभव हुआ था कि दक्ष जो उनके सगे पिता हैं वो भी बोझ महसूस कर रहे हैं। सती ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब ये बात शंकर जी को पता चली तो उन्होंने वीरभद्र को भेज दिया, अपने गणों को भेज दिया, उन्होंने पूरे यज्ञ का तहस नहस कर डाला। जितने याजक ब्राह्मण ऋषि मुनि बैठे थे सबको मार भगाया, दक्ष का सिर वीरभद्र ने काट लिया। ये घटना क्या सिखाती है, आपके भाई की शादी हो, पिता की के घर कोई कार्यक्रम हो, बड़ा से बड़ा हो, सांसारिक कार्यक्रम हो तो उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ राज्य की वाणी बरस रही है, राज्य के ज्ञान की चर्चा की बातें बरस रही है, वहाँ कभी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया, क्योंकि ये संबंध क्या है, परमधाम के रिश्ते का है। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, ये अचरज देखो मोमिनो कैसा समय हुआ सखत। कितने आश्चर्य की बात है कि कैसा समय हुआ सखत का आशय क्या है, कितना कठोर समय आ गया है कि एक ब्रह्मात्मा दूसरी ब्रह्मात्मा से पूछ रही है कि यदि आपकी सुकृति हो तो हम आए। इसका कारण क्या है, एक बात समझिए, इस संसार में न कोई किसी का मित्र होता है न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण जायंत्रे मित्राण रिपुवत्तता, मित्र और शत्रु व्यवहार से पैदा होते हैं। हम व्यवहार से शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं और अपने बुरे व्यवहार से अपने मित्र को भी शत्रु बना सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ का आपसे व्यवहार क्या होना चाहिए, यह प्रकरण इसी कारण अवतरित हुआ है, अनायासी प्रकरण नहीं उतर गया। परम धाम में क्या है, एक वहदत है। वहदत का अर्थ क्या होता है, एक दिली। इस माया के संसार में द्वैत है, एक पिता के चार बेटे होंगे, चारों की सोच अलग अलग होगी, हो सकता है चारों की सोच चार दिशाओं में जाती हो, किसी का किसी से मेल ना हो। किंतु परम धाम में जो राज्य के दिल में आएगा वही सखियों के दिल में आएगा, वही खूब खुशालियों के दिल में आएगा, वही 25 पक्षों में आएगा। हमारी गरिमा क्या है, कभी हमने सोचा है? मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं। एक बार असुरों ने प्रजापत से शिकायत की कि देखिए हमारे साथ हमेशा अन्याय होता है, जब देखिए तब देवताओं को आगे कर दिया जाता है और असुरों को छोटा समझकर किनारे कर दिया जाता है, इसलिए जब यज्ञ हो रहा है तो पहले हम भोजन करेंगे। उस विवाद में असुरों ने प्रजापत जी पर खुला पक्षपात करने का आरोप लगाया कि ब्रह्मा जी देखिए जब होता है तब आप देवताओं का पक्ष लेते हैं हमारा नहीं। प्रजापत तो कुछ बोले नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा है पहले तुमको ही भोजन मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी ये हाथ का जो केवनी है, हाथ की केवनी है, इस पर एक डंडा बांध दिया जाए। ऐसे डंडा बांध दिया गया, असुर सारे भोजन करने के लिए बैठे। उनकी प्रवृत्ति क्या थी, पहले अपने बारे में सोचते थे कि पहले हम खाएं। उन्होंने जब थाली सामने रखी है, भोजन रखा है,
हाथ कैसे मुड़े, क्योंकि हाथ पर तो डंडा बांध दिया गया था। किसी तरह से थाली खिसकाकर लेते भी थे तो मुंह में कैसे डालें, मुंह में डालने के लिए हाथ की भुजा को झुकाना पड़ता है, केवनी को टेढ़ा करना पड़ता था, वो होता नहीं था। इतनी ऊंचाई से डालते थे मुंह में कभी पड़ता नहीं था, भोजन का कौर कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, समय पर भोजन समाप्त हो गया। प्रजापति ने कहा कि उठो, तुमको पहले भोजन करने का अवसर दिया, तुमको भोजन करने का ढंग ही नहीं आया, अब बताता हूँ देवताओं को, क्यों मैं देवताओं को वरीयता देता हूँ, तुमको क्यों नहीं देता। देवता आपस, देवताओं को भी वैसे ही डंडे बांध दिए गए केहुनी पर, क्योंकि न्याय तो न्याय होता है, सबके लिए एक जैसे भेजता। देवताओं ने अपने आमने सामने दो पंक्तियां लगा ली और सबने भोजन का कौर एक दूसरे के मुंह में देना शुरू कर दिया। अन्न का एक भी दाना जमीन पर गिरा नहीं और सबके पेट भर गए। प्रजापति ने कहा कि देखो, जो केवल अपने बारे में सोचता है वो क्या है, ये असुर का कार्य है। दूसरों का धन लूटना, दूसरों को दुखी करना, केवल अपने बारे में सोचते हैं, ये असुरों का काम है। ये देवता क्या है, देना जानते हैं। असुर क्या करते हैं, केवल लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं जानते। इसलिए इन्होंने दूसरे के मुंह में डाला, अपने में अपने के लिए चिंता नहीं की। परिणाम क्या हुआ, सबका पेट भर गया। देवता किसको कहते हैं, जो हमेशा देते हैं, लेते कुछ नहीं है, और जो हमेशा देना जानता है उसको ही सब कुछ मिलता है, जो केवल लेना लेना जानता है उसको कुछ नहीं मिलता। हम सुंदर साथ कभी हम सोचते हैं कि हमारा व्यवहार कैसे होता है, हम कहलाने के तो हम परमधाम के कहलाते हैं, लेकिन जब कहीं धार्मिक कार्यक्रम होता है, ऐसे गुजरात के सुंदर साथ की विशेषता है कि वो कभी कमरे के लिए कभी बिस्तर के लिए विवाद नहीं खड़ा करता, उसको जमीन पर सुला दीजिए चुपचाप सो जाएगा, कोई गिला सिकवा नहीं। हाँ, उत्तर भारत का सुंदर साथ उसको स्टैंडर्ड का कमरा ना मिले, गद्दा ना मिले तो विवाद खड़ा करता जरूर चाहे। लेकिन एक बात और होती है, चाहे उत्तर भारत का सुंदर साथ हो चाहे दक्षिण का सुंदर साथ हो, कहीं का भी गुजरात का भी, गद्दे के मामले में ईमानदारी बहुत कम बरतते हैं। कई ऐसे सुंदर साथ होते हैं जो अपने गद्दे के नीचे दो दो तीन तीन गद्दे बिछा लेते हैं, क्योंकि उनकी सैया कोमल रहे, ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे सुंदर साथ दरी पर सो रहे हैं, उनको भी बिस्तर चुभ रहा होगा। ऐसा क्यों, हमने कभी किसी की परेशानी को नहीं समझा। कई स्थानों में देखा जाता है एक कमरे में अकेले कोई एक व्यक्ति रहता है, दो व्यक्ति रहता है, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और सुंदर साथ मारे मारे फेंचते हैं, क्योंकि कोई वहदत के संबंध को नहीं देखता कि जो हमारा भी सुंदर साथ है वो भी तो परेशानी में घूम रहा है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। हमने सबको यहां की दृष्टि से देखा है कि ये मेरे कुल खानदाने वाले हैं, हमारे गांव वाले हैं, हमारे जिले के हैं या हमारे प्रांत के हैं। जो पंजाब का सुंदर साथ होगा पहले किसको बरतिया देगा, जो तुसी तुसी कहता हो, जो पंजाबी बोलता हो उसको पहले बुलाएंगे। गुजरात वाले भी जो सारू कहने की सुन लेंगे कि ये सारू सारू बोल रहा है, ये गुजराती बोल रहा है, उसको पहले बुलाएंगे। सबके अपने अपने विभाग हैं, अपनी अपनी बिरादरी है, अपने अपने कुल खानदान है, परम धाम का रिश्ता कोई नहीं देखता कि हम परम धाम के सुंदर साथ हैं, और सुंदर साथ में जाति पाति प्रांत कुल खानदान कोई विभाजक रेखा नहीं होनी चाहिए। यदि हमने उस संबंध को देखा तो समझ लीजिए हम जागृत हो गए। यदि संसार की दृष्टि से देखने लगते हैं तो हम कभी भी अपने को जागृत होने का दावा नहीं कर सकते। कई बार बसों के बैठने में भी ऐसा ही होता है, जो दौड़ करके आगे बैठ गया वो ये नहीं सोचते कि बुजुर्गों को हम पीछे क्यों बैठा रहे हैं। अच्छी अच्छी सीट पर हर कोई बैठने का प्रयास करता है। देखिए, यदि आपके पास त्याग की भावना है तो त्याग में ही सुख होता है। मेरे जीवन की एक कहानी है, जब मैं रतनपुरी आश्रम में रहता था, खुतौली से एक बार कहीं बस में जा रहा था, बस में भीड़ बहुत थी,
कहीं जगह नहीं थी, खड़े से खड़े मैं भी यात्रा कर रहा था। एक छोटा सा स्टेशन आया तो एक व्यक्ति उतरा, वहाँ से मैंने सोचा कि चलो मैं उस जगह सीट पर बैठ जाऊँ। जैसे ही मैंने बैठने के लिए आगे पैर बढ़ाया, मेरे पीछे से एक व्यक्ति आकर दौड़कर उस सीट पर बैठ गया। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि न्याय के अनुसार अधिकार मेरा था, क्योंकि सीट के से थोड़ी दूर पर मैं था और बैठने वाला व्यक्ति दूर से आया था। अचानक बस आगे चलती है, एक जगह और बस रुकने होती है, वहाँ से भी एक व्यक्ति उतरता है। मैंने जब वहाँ उस सीट पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया तो उसी तरफ वहीं पर एक अपरिचित व्यक्ति भी कदम बढ़ाया, लेकिन देखा कि मैं सीट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी सीट के पास आकर रुक गया और मैं भी रुक गया। तो मैंने कहा कि नहीं आप बैठिए, वो कहता है कि नहीं आप बैठिए, सीट एक है, उस पर बैठने के लिए अब कोई तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। वह व्यक्ति किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहा था कि मैं बैठूंगा, वो कह रहा था कि नहीं आपको ही बैठना पड़ेगा। एक ऐसी घटना है जिसमें सीट के लिए लूट मार मच रही है। अनैतिक तरीके से वो व्यक्ति सीट पर बैठ गया था और मुझे खड़े रहने के लिए विवश किया था। और दूसरी जगह ऐसी घटना आई कि मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई तुम बैठ जाओ, वो कह रहे थे कि नहीं आपको ही बैठना पड़ेगा। अंत में निर्णय ये हुआ कि आधी आधी सीट पर, एक ही सीट पर आधे आधे दोनों बैठ लेते हैं तो राजी हुए। इसको क्या कहते हैं? मानवता, शिष्टाचार। लेकिन हम सुंदर साथ में ये चीजें नहीं दिखाई देती। मैंने कई बार देखा है जो हमारे समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पन्ना जी में भी देखता हूँ, जो अमीर सुंदर साथ होते हैं वो तो वीआईपी कमरों में रहते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं, गरीब सुंदर साथ कैसे मारा मारा फिरता है। ये लंबे समय से चला आ रहा है। यदि हम परम धाम की वहदत की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे हृदय में कोई ना कोई पीड़ा तो पैदा होनी चाहिए। वो बेचारे गंदी जगहों पर खुले मैदान में स्नान करते हैं, शौच के लिए जाते हैं, बारिश हो जाती है तो कमरों के छज्जों के नीचे वो खड़े हो जाते हैं। गरीब लोग हैं, उनको कौन पूछेगा? जो अमीर सुंदर साथ होते हैं उनके परिवार का कोई सदस्य यदि बरसात में कमरे की छज्जे के नीचे खड़ा रहे तो क्या वो सहन करेंगे? कभी नहीं। पद्मावतीपुरी धाम में कई वर्षों तक हमें भी कमरे के लिए बहुत परेशानी होती थी। काफी सुंदर साथ ने मेरे ऊपर दबाव दिया कि आप दो चार कमरे बनवा लीजिए, मैंने हमेशा मना कर दिया। मैंने यही कहा कि मैं अपने लिए दो कमरे चार कमरे बनवा लूं, लेकिन मेरे से जुड़ा हुआ गुजरात में चाहे पूरे देश का हजारों सुंदर साथ है वो मारा मारा फिरेगा, ये संभव नहीं है कि मैं कमरे में आराम से बैठा रहूं और जो सुंदर साथ ज्ञानपीठ आता है या किसी न किसी रूप से मेरे से परिचित है वो कहेगा कि हमको कमरा नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे सोया था, कोई कहता है कि मैं छज्जे के नीचे सोया था, ये कभी भी संभव नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान केंद्र बना तो सबके लिए बना, वहाँ 3,000 भी आ जाए 4,000 भी आ जाए कोई चिंता नहीं रहती। कहने का ऐसे क्या है, हम दूसरों की भावनाओं को समझें। जिस दिन हम दूसरों की पीड़ा को समझेंगे, दूसरों के अंदर बैठी हुई चेतना को देखेंगे, तो शायद हम इस रहस्य को समझ सकेंगे कि हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना है। परम धाम में स्थिति क्या है? दम दिल तन एक है। दम दिल और तन परम धाम में एक है, सबका शरीर एक है, सबके अंदर की चेतना एक है और सबका दिल एक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबके शरीर अलग अलग है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठिकना है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा, अलग अलग प्रकृति। सबके अंदर चेतना तो नारायण की है और परम धाम की सुरता इस पर बैठी है, लेकिन अलग अलग स्वभाव वाले जीवों पर बैठी है। आत्मा सबकी एक है, जीव सबके अलग अलग है। देखिए महाराजा छत्रसाल जी का जीव अलग है, सकुमार औरंगजेब की आत्मा का जीव अलग है, औरंगजेब का स्वभाव अलग है,
छत्रसाल जी का स्वभाव अलग है, मिहिर राज जी का स्वभाव अलग है और बिहारी जी का स्वभाव अलग है, लालदास जी का स्वभाव अलग है, मुकुंददास जी का स्वभाव अलग है। हैं तो सभी परमधाम की आत्माएं, लेकिन उन्होंने जिस जिस जीव को पकड़ा है उन जीवों का स्वभाव अलग है, इसलिए उनका व्यवहार भी अलग है। अब देखेंगे कि बिहारी जी महाराज चुगली करवाते हैं खंबालिया के राजा से, किस लिए? कि मिहिराज की हत्या कर दी जाए। क्या परमधाम में कभी सोचा भी जा सकता है? बिहारी जी महाराज का जो जीव है इतना क्रूर है कि वो सोचते हैं, एक तरफ श्री जी बिहारी जी महाराज को भेंट देते हैं, लेकिन जाते समय बिहारी जी महाराज खंबालिया के राजा से चुगली करवा देते हैं कि किसी भी तरह से मिहिराज की हत्या हो जाए। वैसे तो सुंदर सात ने बैजूराज और का बनाया हुआ खाकर का दिया कि ये हमारी बहन है, मिहिराज की पत्नी नहीं है। लेकिन आप सोचिए, बिहारी जी जिनके अंदर परमधाम की रतनबाई की आत्मा है, जब खेल खत्म होगा तो राज्य के सामने क्या जवाब देगी कि इस माया के संसार में आकर कैसी वैर की बातें, वैर की भावना रखी थी। जब श्री जी अरब से आते हैं उसके पहले भी बिहारी जी महाराज चुगली कर चुके होते हैं। एक परमधाम की आत्मा दूसरी परमधाम की आत्मा के शरीर को मरवा देना चाहती है, क्यों? ये हंसी की लीला है। हंसी की लीला में कोई किसी की पहचान नहीं कर पा रहा है। हम सब सुंदर सात्वी आत्मिक संबंधों को नहीं देख रहे हैं। देखिए, आत्मिक संबंधों की तो बात छोड़िए, राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व तो प्राप्त हो जाता है, वे संसार के सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। एक दिन वन में जा रहे होते हैं, एक राजा एक हिरण के बच्चे पर तीर छोड़ने वाला होता है। बुद्ध हिरण के बच्चे के आगे आकर कहते हैं कि राजा मेरे ऊपर तीर छोड़ दो, इसी बच्चे को न मारो, कितनी करुणा है। भगवान बुद्ध एक हिरण के बच्चे के लिए स्वयं तीर खाना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, लेकिन हिरण के बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं। हम सुंदर साथ के लिए क्या कोई इतना त्याग करेगा? नहीं। मैंने एक दिन चर्चा में उदाहरण दिया था कि एक ब्राह्मण का पुत्र जिसको बलि देने के लिए नर्मदा के किनारे एक भैरव के मंदिर में ले जाया जा रहा था, दयानंद ने अपनी गर्दन रख दी कि मेरी बलि चढ़ा दो लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि उनकी करुणा जाग उठी थी उसकी माता को रोते हुए देखकर। हम सुंदर साथ तो दूसरे सुंदर साथ की कभी परेशानी को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि हमारी कार खाली जा रही हो, परिवार के एक दो सदस्य को तो बैठा सकते हैं, लेकिन कोई भी अमीर सुंदर साथ किसी गरीब सुंदर साथ को बैठाने का प्रयास नहीं करेगा। हाँ, उसके मोहल्ले का होगा, उसकी बिरादरी का होगा, उसके कुल खानदान का होगा तो जरूर बैठा लेंगे। लेकिन हमारे अंदर परमधाम की दृष्टि नहीं होती कि चाहे गुजरात का कोई सुंदर साथ हो, नेपाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, परमधाम की दृष्टि से तो हम सभी एक हैं। यहाँ आकर के सबने अलग अलग तन धारण किए हैं, अलग अलग कुल में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज। ये भाषा, ये रीति रिवाज, ये कुल, ये प्रांत परमधाम में नहीं जाएंगे। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ केवल परमधाम का प्रेम जाएगा, क्योंकि परमधाम की प्रेम सृष्टि की पहचान क्या है? इस कोरिमा। और उसकी सबसे बड़ी बात क्या है? मोमिन जुदागी ना सहे जो दूध मिश्री मिल जाए। दूध में मिश्री मिला देंगे तो क्या मिश्री दिखाई पड़ती है? चखने से केवल पता चलेगा। ऐसे जो परमधाम की जागृत ब्रह्मात्मा है, दूसरे जागृत ब्रह्मात्मा के साथ आत्मिक रूप से प्रेम करेगी। प्रेम का अर्थ ये मत समझिए कि किसी स्त्री पुरुष की घनिष्ठता। यदि 80 साल के वयोवृद्ध के अंदर परमधाम की आत्मा है तो उसका लगाव 25 साल के किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। एक अरबपति का लगाव एक कंगाल झोपड़ी में रहने वाले के साथ भी हो सकता है। बात केवल निस्बत की है, मूल संबंध की बात है।
यदि हमने परम धाम के संबंधों को देखा होता तो शायद आज हमारी स्थिति कुछ और होती। राज जी ने क्या कहा है, ये मोहे सयो न जावे जो कहे साथ में कटुक बचन। मुझको ये सहन नहीं होगा यदि सुंदर साथ एक दूसरे को कटुक बचन कटु बचन से संबोधित करता है, क्योंकि तलवारों के घाव तो भर जाते हैं, शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। राज्य इस चौपाई से क्या संदेश देना चाहते हैं कि सुंदर साथ में कभी भी कोई किसी को कटु वचन न बोले, किसी के लिए मिथ्या आरोप न लगाए। और क्या कहा है, जो जो प्रीत होता है साथ में त्यों तो मोही को होते सुख। जो जो प्रीत होता है साथ में, यहां हर सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को देख रहा है, के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये राजी सब देख रहे हैं। राजी से कुछ छिपा नहीं है। हमसे भूल क्या होती है कि सोच लेते हैं कि राजी तो मंदिर में बैठे हैं, यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ तो हम लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर सकते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। देखें अभी चर्चा हो रही है, इस माया के यंत्र से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो राज्य के हृदय में जो वीडियो बना है, हम लोहे की सात दीवारों के अंदर बैठकर क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, किसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, सब कुछ राज्य को पता है। जब नारायण से ही संसार का कोई प्राणी अपने गुनाहों को नहीं छिपा सकता तो राज्य से क्या छिपाएगा। इसलिए राज्य क्या कह रहे हैं, दम दिल तन एक बिछोर के भूली बतन, परम धाम से बिछुड़ गई है जिससे कि वह सबको भुला गई है। हम एक दूसरे की पहचान कैसे करते हैं, किसी परिचय से करते हैं। कुरान में भी यह शिक्षा दी गई है कि यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम भोजन करने का अधिकार नहीं रख सकते। आप सोचिए, मैंने देखा है हिंदू समाज का पतन क्यों हुआ। आज सरकार से के धाम गमन के 22वीं पुण्यतिथि है, उस समय एक घटनाक्रम याद आ गया। जब सरकार से की अस्वस्थता की खबर मिली थी तो मैं रमेश भाई चेयरमैन के साथ ट्रेन में बैठ गया था और किसी भी क्लास में टिकट कन्फर्म नहीं हो पा रही थी, चाहे एसी हो चाहे स्लीपर हो, कहीं भी नहीं। तो स्लीपर क्लास में वेटिंग थी, हम खड़े खड़े बड़ोदरा से लेकर गोधरा से लेकर दिल्ली तक खड़े खड़े हमने यात्रा की। जमीन पर तो बैठ गए लेकिन मैंने देखा उस कोच में लगभग सभी हिंदू ही थे, उनकी सीटें खाली पड़ी थी, लेकिन किसी ने भी नहीं किया कि थोड़ी देर के लिए अब बैठ जाइए हमारी सीट पर। दिन में, रात को तो कोई बैठने ही नहीं देगा, सोने का समय था, लेकिन दिन में भी किसी ने नहीं कहा कि आप आधे घंटे के लिए आपके पांव दुख गए होंगे, बैठ जाइए। मैं सोच रहा था कि क्या यदि यहाँ मुस्लिम होता और मैं कोई मौलवी होता, या क्रिश्चियन होता मैं कोई पादरी होता, तो वे कभी सहन नहीं कर सकते थे कि मैं पूरे दिन रात 14 घंटे खड़े रहूं या नीचे जमीन पर बैठूं। वो जरूर कहते थे कि थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाइए, लेकिन किसी भी हिंदू यात्री ने ये नहीं कहा कि आप एक घंटे आधे घंटे के लिए बैठ जाइए। वैसे यहाँ संवेदनहीनता क्या कहलाती है, हमारे सुंदर साथ में भी संवेदनहीनता है। मैंने देखा है कई आश्रमों में देखा है कि एक कमरे में एक ही सुंदर साथ या दो सुंदर साथ आराम से रह रहे होते हैं और बाहर सुंदर साथ मारे मारे फिर रहे होते हैं, उनको कोई थोड़ी देर के लिए भी अपने कमरे में जगह देने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर एकत्व की भावना नहीं है, हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। आप सोचिए, वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता है, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, नदी का जल दूसरे के लिए होता है, वृक्ष का फल दूसरे के लिए होता है। हम परम धाम की आत्मा होकर दूसरे सुंदर साथ को अपनेपन की भावना से नहीं देख सकते। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा, पौराणिक एक कथा है कि दो भाई थे, शंख और लिखित।
एक भाई कहीं बाहर गया हुआ था, उसके आश्रम पर दूसरा भाई आता है तो उसको भूख लगी थी, उसने वहाँ के फल खा लिए। बाद में उसने भाई आया, जब बड़ा भाई आया उसने कहा कि देखो मैं तुम आपके आश्रम पर आया था, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने तुम्हारे आश्रम के फल को खा लिया। भाई ने कहा कि देखो जो मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन हम तुम साधना में तो तुमने चोरी किया है एक प्रकार से, बिना मेरी स्वीकृति के तुमने जो फल खाया है ये चोरी किया है, इसका तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। उसने पूछा कि क्या दंड है, उसने कहा कि जाकर राजा से पूछो, जो अपने देश के राजा है। राजा के पास वो भाई जाता है, राजा ने से पूछता है कि अनजाने में यदि चोरी हो जाए तो उसका क्या दंड है। राजा तो ने तो बिना सोचे समझे ये नहीं पूछा कि किसने चोरी किया है, पूछने वाले ने भी अधूरा पूछा। तो राजा ने कहा कि चोरी का दंड तो यही होता है कि हाथ काट लिया जाए, या तो पूछा होता क्या आपने चोरी की है, किसकी चोरी की है, यदि कहा होता कि अपने भाई का ही फल खा लिया है तो शायद ऐसा दंड नहीं देता। राजा ने तो अपना निर्णय सुना दिया कि चोरी करने का दंड हाथ काटना होता है। सचमुच जाकर उस एक भाई ने अपना हाथ अपने हाथ से काट लिया। ये पौराणिक कथा है, कितनी सच्ची है मैं नहीं जानता, लेकिन इससे एक शिक्षा मिलती है। ऐसा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या शिक्षा मिलती है, चाहे भाई ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक माधुर्यता का प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है, तब तक केवल रिश्तों के आधार पर किसी की चीज का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सुंदर साथ क्या करते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो दूसरे के चप्पल उठाने में कोई देर नहीं करते, वहां कहते हैं कि वैद्यत ही तो है, किसी के भी सामान लेकर प्रयोग कर लो, लेकिन जब देने की बात आती है तो देने में हम कंजूसी करते हैं। लेने में हमको वहदत याद आता है कि हमारे पास चप्पल नहीं है, दूसरे के चप्पल का प्रयोग कर लो, लेकिन जब हमें कहा जाता है कि अपने कमरे में ठहरा लो, अपनी गाड़ी में बैठा लो, तो सोचते हैं कि नहीं हमें परेशानी होगी। मेरे कहने का ऐसे क्या है, सुंदर साथ के संबंध से चाहिए हमेशा दूसरे को कि हम सबको परम धाम के दृश्य देखें। धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संसार, परम धाम में जब जगेंगे तो वहां तो हमेशा मिलन हो रहेगा, लेकिन इस संसार में कोई सुंदर साथ आपके घर चल कर आता है तो आपको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। गुजरात में तो सेवा भावना बहुत है, मैंने देखा है, लेकिन कई शहर ऐसे भी हैं जिनके जहां जाने पर सुंदर साथ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सुंदर साथ होते हैं जो बोझ समझते हैं कि ये तो आ गए, हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा, हमारे आनंद में बाधा पड़ेगी, तो उनका दुर्भाग्य है। वो सोचना चाहिए कि उनका सौभाग्य है कि उनके घर घर कोई चल करके आया है। हमारे समाज में क्या है, कितनी कड़वाहट है मंदिरों को लेकर, आश्रम को लेकर, हमारा मंदिर हमारा आश्रम, कई ऐसे आश्रम भी हैं, कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां आप चले जाइए तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। आपसे यदि किसी ने पूछ दिया कि तारतम सुनाओ, यदि आपसे तारतम पूछा गया तो आप सोचिए आपको तो वहां जगह नहीं मिलेगी। प्रवाही अपने आश्रम पर ठहरा लेते हैं, लेकिन कई बार देखने में आया है कि यदि कोई श्रीजी वाला तारतम लेकर जाता है तो कई जगहों पर उस बेचारे को जगह इसलिए नहीं मिलती कि वो श्रीजी का तारतम बोलता है। अरे भाई, कोई किसी भी मंत्र को जपता है, किसी को मानता है, पहले तो मानवता के नाम पर भी किसी को मना नहीं करना चाहिए। परम धाम तो सबका एक है, राज्य सबके एक है, वाणी सबकी एक है, केवल मंत्र के विभाजन के नाम पर, मंत्र के नाम पर आप किसी से घृणा करते हैं, आप उसको अपने यहाँ ठहरने नहीं देते, तो इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं होगा। यह सोचिए, यदि आप
थोड़ी थोड़ी बातों के लिए घृणा करेंगे तो ये घृणा किसके लिए घातक होगी? सबसे अधिक हमारे लिए होगी। मैं केवल ये नहीं कहता कि तारतम के आधार पर ही होता है, जो श्री जी का तारतम मानते हैं उनमें भी आपस में ऐसा चलता है कि अमुक स्थान पर गए तो उनकी भौवें टेढ़ी हो गई, वो भी सोचते हैं कि क्यों चले आए। चूंकि इन घटनाओं का मैं खुद स्वयं साक्षी हूं, आज पुण्यतिथि है सरकार से के धाम गमन के बाद हम श्री जी को मानने वाला सुंदर साथ न जाने कितने टुकड़ों में बट गया, और एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कभी आत्मीयता नहीं रखता। अपने परिवार से रखेंगे, रिश्तेदारों से रखेंगे, सुंदर साथ से यदि प्रेम नहीं कर सकता तो कम से कम घृणा तो न करे। घृणा करना सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि ये हमारी घृणा की वीडियो रिकॉर्डिंग परम धाम में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। आप किसी भी स्थान से जुड़े हों, किसी भी गुरुजी से जुड़े हों, किसी भी मंत्र को मानते हैं, आपके पास कोई चल करके आता है तो हमारी संस्कृत क्या कहती है, जाने दुश्मन भी आपके घर चलकर आता है तो आपका कर्तव्य होता है उसका स्वागत करना, उससे मानवता का व्यवहार करना। लेकिन हम सुंदर साथ सब कुछ भूल चुके हैं कि हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए ये प्रकरण उतरा है कि मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवेत, ए अचरज देखो मोमिनो, कैसा समय हुआ सकत, कितना कठोर समय हो गया कि परम धाम में सबका दिल एक है, सबकी आत्मा एक है, सबका तन एक है, इस माया के संसार में आए हैं तो जानों के सोहबत कबू ना होती, तो यूं कहावे सुकून। यह बात कैसे कही जा रही है, यदि राजा राम झाझन भाई महाराजा छत्रसाल जी से पत्र लिखकर कहते हैं कि आपकी सुकृति हो तो हम भी आ जाएं, ऐसा व्यक्तित्व कब कहता है, कुछ झिझक कब होती है जब वैसा व्यवहार हमने नहीं किया होता है। देखिए राजा राम झांझन भाई एक व्यवसायिक व्यक्ति है, अभी उनको परम धाम की ब्रह्मवाणी का पूरा रस नहीं मिला है, वो सामाजिक व्यवहार के नाते पूछना उनका स्वभाव था। लेकिन एक केशवदास जी भी तो थे, केशवदास जी को जो पता चला सिद्धपुर में कि श्री जी यहाँ आए थे 500 के सुंदर साथ के साथ, तो वहां से पैदल चल पड़ते हैं श्री जी की खोज में, और दिल्ली में जाकर के श्री जी के खोज करके उनके चरणों में तारतम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी भी उन्होंने केशवदास जी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं आऊं कि ना आऊं। उसी तरह से यदि राजा राम झांझन भाई, चूंकि उनकी सेवा अधिक थी, लेकिन जो परम धाम के प्रेम के वहदत की पहचान हो गई होती तो वो भी नहीं कहते। सामाजिक शिष्टाचार के नाते उन्होंने पूछा। ऐसे आज जो कड़वाहट का वातावरण है उसमें प्राय पूछ लेना सही होता है, लेकिन जहाँ ज्ञान चर्चा है, ज्ञान चर्चा कहीं भी मिले आप जाकर के सुनिए जो परम धाम की वाणी सुनाता है। हो सकता है आपको वहाँ रहने के लिए जगह न मिले, आप अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए, लेकिन ज्ञान चर्चा के लिए अवश्य जाना चाहिए। ये बात मैं हमेशा कह देता हूँ कि जब तक ये धरती रहे जब तक ज्ञानपीठ रहे, ज्ञानपीठ में जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है वाणी चर्चा का, बीतक का, कोई चितवनी शिविर का, किसी भी सुंदर साथ को कभी वहाँ से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ये प्रतीक्षा न करे कि सरसभा से निमंत्रण आया है तो जाएंगे, नहीं आया है तो नहीं जाएंगे। ज्ञानपीठ सबका है, उत्तर प्रदेश में बना है तो इसका अर्थ नहीं कि उत्तर प्रदेश का है, पूरे देश का है, नेपाल का है, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु का है, सबका है, पूरे देश विदेश का जो भी सुंदर साथ आए किसी भी कार्यक्रम में कभी भी निमंत्रण की प्रतीक्षा न करे, और यही समझे कि ये मेरा ज्ञानपीठ है, हमें उसमें सहभागी बनना है। और ये किसी से आशा न करे, आप भी मेरे से आशा मत कीजिए कि मैं निमंत्रण भेजूंगा हमेशा हमेशा के लिए। निमंत्रण शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, यही मैं कहूँगा कि ज्ञानपीठ आपका है, बिना बुलाए सबको आना चाहिए।
मैं एक एक व्यक्ति को कितना फोन करूंगा, कहां कहां निमंत्रण भिजवाऊंगा। इसलिए वहां वार्षिकोत्सव में तो 1 से 7 सितंबर पहले तय किया गया था, लेकिन अगले साल जो जन्माष्टमी पड़ रही है संभवतः 7 सितंबर को पड़ रही है, इसलिए कार्यक्रम की तिथि बदलनी पड़ेगी। अब हो सकता है भविष्य में यही होगा, 14 सितंबर से 20 सितंबर तक वार्षिकोत्सव होगा। मैं यही आशा करूंगा कि सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। आने पर आपको कष्ट भी हो सकता है, आवास का कष्ट हो, कुछ भी होगा, लेकिन सारी समस्याओं को दूर आपको ही करना है। वाणी चर्चा का आनंद लेने के लिए सबको आना है और सबको यही सोचना होगा कि ये मेरा घर है, मेरा ज्ञानपीठ है, इसमें किसी तरह के परायेपन या रिश्तेदारी का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं आया तो मेरा स्वागत क्यों नहीं हुआ। आप अपने घर में कोई स्वागत थोड़े करते हैं, आप अपने घर में जाएंगे तो आपके घर वाले स्वागत नहीं करते, उनकी आंखें बता देती है कि ये घर आपका है और आपका स्वागत है। इसलिए जो आज हमारे समाज में कटुता फैली है छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे कि मैंने कहा सरकार श्री के आदर्शों को किसी ने नहीं देखा, सरकार श्री ने सबको एक सांचे में बांध कर रखा, एक सूत्र में बांध कर रखा, वाणी की ज्ञान और चर्चनी चितवनी के सूत्र में सबको पिरो करके रखा था। लेकिन उनकी अंतर्धान लीला होते ही सरकार श्री के सुंदर साथ में अलग अलग बिखराव हो गए, अलग अलग आश्रम बन गए, मंदिरों का अलग अलग बंटवारा हो गया। कई तो ऐसे स्थान हैं जहां मेरे ऊपर भी प्रतिबंध है, मैं देखता हूं कई जगह तो मैं भी जाता हूं तो लगता है कि क्यों राजन स्वामी आ गया, लेकिन आश्चर्य होता है कोई भी अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जाएगा। एक प्रेम ही है जो आपको यहां भी राज्य से मिलाएगा और परम धाम में भी आपका सिर ऊंचा रखेगा। इसलिए इस अगली जो चौपाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोमिन रखे मोमिन सो, जो तनमन अपना माल, सो अरवा ने अर्ज की ना तीन से नूर जमाल। कितनी ऊंची बात कही है, मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल। तन के आधार पर किसी से भेदभाव करना कि मैं सुंदर गोरा हूं, मेरे पास काला कलूटा आदमी नहीं बैठ सकता, मैं ऊंची जात का हूं, मेरे पास छोटी जाति का नहीं बैठ सकता, ये किसके आधार पर भेद है? तन के आधार पर। मन के आधार पर भेद का तात्पर्य क्या है? उनके विचार हमारे से नहीं मेल खाते तो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनसे हमारा संबंध नहीं रहेगा। ये क्या है? मन में मतभेद हो सकता है, मतभेद होना ठीक स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। एक के मन में कुछ और है, दूसरे के मन में कुछ और है, ये तो स्वाभाविक है कि एक ही सिद्धांत सबको स्वीकार नहीं होगा, एक ही चौपाई का अर्थ अलग अलग कोई करेगा, लेकिन सुंदर साथ के रिश्ते में तो बंद करके रहना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में आता है सुंदर साथ से कितनी घृणा करता है, पूछा जाता है कि क्यों घृणा कर रहे हो, क्या कहते हैं कि हमारे उनके विचार नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते लेकिन मानवता तो मिलती है, परम धाम के संबंध से तो आप एक हो सकते हो। विचारों में मतभेद के कारण आप घृणा कर लो, घृणा किसी भी देश से उत्तरदायी नहीं है। महाभारत के युद्ध में देखिए, हम संसार के महापुरुषों से अभी बहुत पीछे हैं, हम परम धाम की वैधता का दावा जरूर करते हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक दिन शिविर में दिन के समय ही संध्या के बाद दुर्योधन आ गया, नकुल वहां खड़े थे, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, जिनके ऊपर बाण छोड़े गए थे, उस समय नियम था कि जब युद्ध बंद हो जाता था तो सभी प्रेम का व्यवहार करते थे। दुर्योधन आता ही युधिष्ठिर को प्रणाम करता है, युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं कि नकुल तुम्हारा बड़ा भ्राता दुर्योधन आया, इसको प्रणाम करो। नकुल को परेशानी हुई कि अभी तो इनके सामने युद्ध में लड़ाई लड़कर के आए हैं, ये आ गया है तो इसको मैं क्यों प्रणाम करूं? युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं नकुल, ये धर्म है, हम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं,
हमारा बैर व्यक्तिगत नहीं है। दुर्योधन कितना भी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे शिविर में आया है, तो तुम्हें प्रणाम करना पड़ेगा। युधिष्ठिर की डांट खाकर नकुल ने पुनः दुर्योधन को प्रणाम किया। आप सोचिए, जहां प्राणों का खतरा है, युद्ध के मैदान में सभी एक दूसरे को मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब घर पर आते हैं, शिविर में आते हैं, तो एक दूसरे के पास बैठते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और हम सुंदर सा तो मंच पर तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है। कई जगह तो ऐसे हैं कि जहां आप चले जाइए तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी, केवल नाम विशेष से पता चल जाए कि आप सरसावा के हैं, तो शायद देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां आपको कोई ठहरने नहीं देगा, पूछेगा भी नहीं। क्यों? मेरे कहने का ऐसे क्या है, मोमिन रखे मोमिन सो जो तन मन अपना माल, माल का अर्थ क्या होता है, धन। हमारे पास 1,00,000 रुपए पड़े हैं, हम किसी होटल में खा लेते हैं। आप देखिए, मेले भंडारे में होते हैं, शरद पूर्णिमा का जो वार्षिकोत्सव होता है, कार्यक्रम होता है पन्ना जी में, धनवान लोग कितने अच्छे अच्छे खाते रहते हैं। बेचारे कई ऐसे गरीब भी होते हैं जो अपने घर से कोई चूरा लाता है, कोई सत्तू लाता है, कोई कुछ लाता है, कितने गरीब होते हैं, वो भी सुंदर सा आते हैं, जनरल डब्बे में बैठ करके आते हैं, मैंने देखा है, नज़दीकी से उनको देखा, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, और वो भी संकोच करके, जो बैजूराज जी का भोजनालय वो भी नहीं जाते। मैंने एक बार पूछा कि तुम वहाँ क्यों नहीं खाते हो, कहते हैं कि हम क्यों जाएं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि रसीद कटवाएं, तो इसलिए हम संकोच में जाते ही नहीं। मेरे कहने का ऐसे क्या है, हमने सबको परम धाम की दृष्टि से नहीं देखा। यदि हम परम धाम की दृष्टि से सबको देखते तो शायद उन गरीब सुंदर साथ के लिए भी बहुत कुछ हो गया होता, केवल मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। हमारे मन में कहीं का भी सुंदर साथ होता, उसके लिए कोई घृणा के भाव नहीं होते। घृणा एक विकार है। आप युद्ध के मैदान में लड़िए, जैसे कौरव पांडव लड़ते थे, घृणा तो नहीं करते थे। रात्रि के समय शिविर में सभी एक दूसरे के शिविर में जाते थे, बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन बैर नहीं था। वो तो महाभारत का युद्ध था, जहां दिन में लड़ाई करनी थी, एक दूसरे को मारना था। हम तो क्या कहलाते हैं, हम तो परम धाम की ब्रह्मात्मा कहलाते हैं। हम किसी को देख कर मुंह फेर लेते हैं कि उससे हमें बातें नहीं करनी है, उससे हमें घृणा नहीं करनी है, उससे हमें प्रेम नहीं रखना है। आप प्रेम भी मत रखिए, लेकिन मन में घृणा न रखिए। हमसे अच्छे तो संसार के महापुरुष हैं, जो क्या प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी एक दूसरे का कल्याण सोचें और कोई दुख का भागी ना हो। ये कौन बोल रहा है, ब्रह्म सृष्टि के वाक्य नहीं है, जीव सृष्टि के। हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। तभी तो रांची ने कहा है, जो जो प्रीत होता है साथ में, त्यो तो मोही को होता है सुख। यदि आप चाहते हैं कि राज्य हमसे रीच जाए, तो आप सबके प्रति आत्मिक भावना रखिए। सपने में भी कभी किसी का अहित न सोचिए, अहित न कीजिए और अहित की बातें न कीजिए। बैठे बातें करे बका अर्ज के, तित भिष्ट भई बैठक, दुनी बातें करे दुनी की, आखिर तित दो जग। हम यदि बैठकर किसी की निंदा करेंगे तो किसका नुकसान होगा, हमारा। और बैठे बातें करें बका अर्श के, तित भिष्ट भई बैठक। हम यदि बैठकर परम धाम की बातें करेंगे तो वह स्थान राज्य की लीला का केंद्र होने के कारण हमेशा हमेशा के लिए बहिष्ठ का अधिकारी बन जाएगा। आप देखिए, मैं जानता हूं पन्ना जी में अपना ज्ञान केंद्र बना, वहाँ भी काफ़ी सुंदर साथ आए। कई बार उनको भी कह दिया गया कि यहाँ जगह नहीं है, कुछ सुंदर साथ ने कह दिया। मुझे मालूम है कि उनका हृदय कितना व्यथित होगा,
हुआ होगा, मुझे भी पता चला बाद में, तो मैं भी दुखी हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। कहने वाले ने तो ये नहीं सोचा कि दरवाजे से क्यों लौटाया जा रहा है। इसलिए तो मैंने पन्ना जी में नियम बना दिया कि जो चाहे कोई कहीं का हो, सुंदर साथ है चाहे नहीं है, चाहे सरसावा में अभी जाइए, नियम बना दिया गया, कोई कहीं का भी हो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ के हो, किस पंथ के हो। यदि भोजन का समय है तो आपको भोजन करना ही है। यहाँ तक कि रास्ते चलते ट्रक वाले भी आ जाते हैं, बैठते हैं। यह याद रखिए, यदि आप दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों को खिलाएंगे, तो आपके यहाँ कभी कमी नहीं होगी। आप किसी को दुत्कार करके भगा देंगे तो समझिए वो स्थान उस दिन से उजाड़ होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में यदि कोई सुंदर साथ आता है तो अपना सौभाग्य समझिए कि सुंदर साथ के चरण कमल हमारे घर पड़े हैं, और आपके घर रूखा सूखा है वही खिलाइए, वही सबसे बड़ी सेवा है। कोई आवश्यकता नहीं कि अच्छे व्यंजन खिलाइए। देखत ही अरसे नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी वाघर न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि किसी को देखते ही यदि नेत्रों में स्नेह नहीं होता, देखत ही हरसे नहीं नैनो नहीं स्नेह, नेत्रों में प्रेम नहीं पैदा होता, हृदय में स्नेह नहीं पैदा होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि उनके घर सोने की वर्षा होती हो तो भी नहीं जाना चाहिए। ये शिष्टाचार का सिद्धांत है। इसलिए हम सुंदर साथ को आपस में प्रेम बढ़ाना चाहिए। वाणी क्या कहती है, हक जात वहदत जो छोड़े ना एको दम, प्यार करें माहो माए वास्ते प्यार कसम। वास्ते प्यार कसम, यदि अपराजी का प्रेम चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। हक जात वहदत जो, हक की जात कौन है, सभी सुंदर साथ। हक जात वहदत जो सो छोड़े ना एको दम, जो हक की जात है, हक की जात कौन है, श्यामा जी सहित सब सुंदर साथ, वे वहदत को एक दिली की भावना को कभी भी छोड़ते नहीं है। दूसरे के दुख को अपना दुख मानना, दूसरे के सुख को अपना सुख मानना, यदि सबने खा लिया तो हमने समझ लेना चाहिए कि हमने खाना खा लिया। हमें केवल अपने बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि सबसे पहले हमको भोजन मिले, और जहां हर कोई पहले मुझे, तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी। चाहे खाने का मसला हो, चाहे गद्दे का मसला हो, चाहे कमरे का मसला हो, यदि सभी दूसरे के बारे में सोचें तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी भगदड़ नहीं मचेगी। हक जात वहदत जो सो छोड़े ना एको दम, प्यार करे माहो माए वास्ते प्यार कसम। यदि आपको राज्य का प्रेम पाने की इच्छा है तो आपस में परम धाम के संबंध से सबको एक दूसरे से आत्मिक प्रेम रखना चाहिए। आत्मिक प्रेम का अर्थ क्या समझते हैं, हम परम धाम के संबंध से हैं, इस संबंध से आप किसी की जाति ना देखिए, प्रांत नहीं देखिए, शरीर की सुंदरता नहीं देखिए, धन की अमीरी या गरीबी ना देखिए, ये समझिए कि ये मात्र सुंदर साथ है। उसके बारे में सोचिए कि उसको किस तरह से सुखी किया जा सकता है, इसको कहते हैं आत्मिक प्रेम। ऐसा नहीं कि चार की मंडली है, चार अपने अपने बारे में सोच रहे हैं और के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ध्यान रखिए, इस सृष्टि का जो नाथ है, वैकुंठ नाथ, कहावत कही जाती है कि जब तक सृष्टि में कोई भूखा रहता है तब तक नारायण भी भोजन नहीं करते। नारायण को तो भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारी तरह दाल रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन कहने का से क्या है, नारायण ने भी कैसी व्यवस्था कर रखी है, एक एक कीड़े मकोड़े के लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, रंतदेव की कहानी है। एक बार राजा रंतदेव के राज्य में अकाल पड़ता है। राजा रंतदेव कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी खा नहीं पाते हैं, क्योंकि सारा धन उनके पास जो राजमहल में कोष था, खजाना था, सारा बांट दिया था। अब ये खुद कंगाल हो गए थे, क्योंकि 12 वर्षों तक उनके राज्य में पानी नहीं बरसा था। किसी कारण से कहीं से उनको कुछ अन्न मिल गया, एक शायद कई दिनों के बाद, शायद 21 दिन या कुछ दिनों के बाद। जैसे भोजन करने के लिए बैठते हैं,
एक भिक्षुक आ जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। रंतिदेव पूछते हैं कि क्या तुम भोजन करोगे? उसने कहा कि हाँ। रंतिदेव ने अपना सारा भोजन दे दिया और खुद पानी पी करके रह गए। ये महानता होती है कि जिस देश का राजा स्वयं भूखा रहा हो, कई दिनों के भोजन न किया हो और सामने आने के बाद उस भिक्षुक को अपना भोजन खिला दिया। वो मरा तो नहीं रंतिदेव, लेकिन जब तक ये संसार रहेगा रंतिदेव का नाम अमर रहेगा। लाखों वर्ष बीत गए इस घटना को, लेकिन रंतिदेव को सारी दुनिया याद करती है। हमारे पौराणिक कथाओं में ये घटना लिखी है, उसी तरह से आप भी समझिए। आपके घर कोई सुंदर सा जाता है, आपके मंदिर में जाता है, आपके आश्रम में जाता है, तो आप यदि दरवाजा बंद कर लेते हैं, उसको दरवाजे के बाहर से लौटा देते हैं, तो सोचिए आपका एक एक पल गुनाहों में गिना जाएगा। आप उसको अंदर लाइए, प्रेम के दो शब्द बोलिए, जल पिलाइए, उसको यथोचित आसन दीजिए, आपका स्थान, आपका मंदिर, आपका आश्रम, आपका घर फलता फूलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने किसी सुंदर साथ को बोझ समझा कि ये क्यों आ गया, यहाँ तो आना नहीं चाहिए, आपने अपमानित करके भगा दिया, समझ लीजिए उस स्थान को कोई भी वृद्धि नहीं कर सकता है। इसलिए ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी कहा है, मोमिन रखे मोमिन सो जो तन मन अपना मान, सो अरवा ने अर्श के ना तीन सिर नूट जमाल। वो परम धाम की ब्रह्मसृष्टि नहीं है जो किसी सुंदर साथ से किसी तन को लेकर, मंत भेद के नाम पर या धन के लिए सुंदर साथ से घृणा करता है, अलगाव की बात करता है। मैंने कितने स्थानों में देखा है, सुंदर साथ के समूह को भी कह दिया जाता है कि नहीं यहाँ जगह नहीं है, जाओ स्टेशन पर जाओ, और आधी रात को उनको विदा कर दिया जाता है और वो बेचारे स्टेशन पर तो मरे मरे फिरते हैं, उनको मंदिर में जगह होती हुई भी जगह नहीं दी जाती। तो निश्चित है कि ऐसे मंदिर उजाड़ हो जाएंगे, ये ऐसे आश्रम भी उजाड़ हो जाएंगे। सुंदर साथ को एक सूत्र में कौन बांधता है? केवल प्रेम। प्रेम कहाँ से आएगा? निस्बत के संबंध से। इसलिए वाणी कहती है, हक जात वहतत जो सो छोड़े ना एकोदम। वहतत के संबंध को परम धाम की ब्रह्मसृष्टि कभी नहीं छोड़ेगी। प्यारे कर प्यार करें माहो माहे वास्ते प्यार कसम। जिसको राज्य का प्रेम चाहिए वो सब सुंदर साथ के प्रति, चाहे गरीब हो अमीर हो, पंजाबी हो नेपाली हो, गुजराती हो यूपी का हो, बिहार का हो बंगाल का हो, इसके नाम पर कोई भेदभाव न करे। जिस दिन सभी सुंदर साथ दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे, समझ लेना कि अब राज्य की कृपा उनके ऊपर बरसने लगी है। इसलिए हमारा अस्त्र केवल प्रेम का है, निर्विकार प्रेम, आत्मिक प्रेम, और उस प्रेम में किसी प्रकार की जाति का बंधन नहीं होना चाहिए। जब सुंदर साथ मेरे सामने आकर के जाति बताने लगते हैं, अपना सरनेम बताने लगते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे भाई मेरे पास आए हो, अध्यात्म की बातें करो, कौन क्या है, कौन कहाँ का रहने वाला है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। कोई भी सुंदर साथ है, सुंदर साथ तो दूर पहले भी कोई मानव है, हमसे अच्छे तो गीता वाले हैं। क्या कहते हैं, मैं ये श्लोक बार बार क्यों बोला करता हूँ, ताकि सबको समझ आ जाए। पंडित किसको कहते हैं? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिन सुनिच एवं सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण में, ऐसा ब्राह्मण जो विद्या और विनम्रता से संपन्न हो। ब्राह्मण में गाय में, कुत्ते में और चंडाल में, अर्थात ब्राह्मण पवित्र है, चंडाल इस दुनिया की दृष्टि अपवित्र है। गाय पवित्र जानवर है और कुत्ता अपवित्र जानवर है, हड्डी चूसता है, कच्चा मांस खा जाता है मरे हुए का भी। लेकिन गाय और कुत्ते में जो भेद न देखे, सबके अंदर एक चेतना देखे कि नारायण कंश ब्राह्मण के अंदर भी है, नारायण कंश चंडाल के अंदर है, उसी नारायण कंश जो मेरे अंदर है वही गाय और कुत्ते में है। जिसकी भावना ऐसी हो जाती है उसको क्या कहते हैं? पंडित। जन्म से कोई पंडित नहीं होता। पंडित का लक्षण क्या है? जो ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक चेतना को देख रहा हो। और हम तो
पंडित तो इस दुनिया की उपाधि है, पंडित से भी बड़ा कौन होता है? ऋषि बड़ा होता है, उससे बड़ा महर्षि होता है, महर्षि से भी बड़ा ब्रह्मर्षि होता है। ये ब्रह्मर्षि दुनिया के ऋषि मुनियों की उपाधि है, जीवों की उपाधि है, इनसे भी बड़ी बड़ा कौन है? ईश्वरी सृष्टि। और हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, लेकिन हम पूछते हैं तुम किस गुरु जी के शिष्य हो, कहाँ से तारतम्य लिया है, तुम्हारा सरनेम कहाँ है, किस प्रांत के हो, इसके आधार पर यदि हमारा व्यवहार निश्चित होता है तो वाणी कहती है सो अरवा ने अर्श की ना तीन से नूर जमाल, समझ लेना चाहिए उस पर राज्य की किसी भी तरह की कृपा नहीं हो सकती, ना इल्म की, ना इश्क की, ना हुक्म की, कुछ भी कृपा नहीं पा सकता। और परम धाम का जो सुंदर साथ होगा किसी भी तरह की घृणा नहीं पालेगा। इसलिए ये प्रकरण सब सुंदर साथ को एक रूप करने के लिए अति आवश्यक है। सब सुंदर साथ को चाहिए आज के दिन, आज सरकार से की 22वीं पुण्यतिथि है, उनसे अनुशासन की प्रेरणा ले, सेवा की प्रेरणा ले। सरकार से ने सबको प्राणनाथ जी की पहचान दी, हमें कैसे उस प्राणनाथ जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी है, अटूट ईमान रखना है, ये सरकार से के जीवन से सीखा जा सकता है। इस दाहोद में सरकार से पैदल चले हैं, बाजरे की रोटी और प्याज खा करके, बैलगाड़ी पर बैठ करके सरकार से ने जागनी की है। उस समय आजकल की तरह संसाधन नहीं हुआ करते थे, पैदल चल चल के सरकार से ने दाहोद के सुंदर साथ कुछ गया है। आज दाहोद का इतना सुंदर साथ समूह एकत्रित है, उनकी पुण्यतिथि पर सबको ये प्रण करना चाहिए कि वाणी का चिंतन और चितवनी ही हमारी आत्मा की जागनी का आधार है। हम नियमित अनुशासन में रहते हुए सब सुंदर साथ को प्रेम से देखें, ऐसी मेरी शुभकामना।